दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता आज अपनी धर्मपत्नी के साथ दिल्ली के किशनगढ़ के बाबा लुटेरिया के मंदिर में पहुंचे। यहां पर भगवान शंकर को उन्होंने रुद्राभिषेक किया। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी और मेहरौली जिले के जिला अध्यक्ष जगमोहन महलावत, उनकी धर्मपत्नी ने यहां पर विधि पूर्वक भगवान शंकर की पूजा अर्चना करी। यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता। साथ ही उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि दिल्ली और देश की तरक्की के लिए उन्होंने भगवान शंकर से प्रार्थना करी और देश के अलग अलग दिल्ली के अलग अलग मंदिरों में वो इसी तरीके से जा रहे हैं और भगवान शंकर की पूजा अर्चना कर रहे हैं। सावन मास का महीना चल रहा है और सावन मास के महीने में कहा जाता है भगवान शंकर को जल अभिषेक और रुद्र अभिषेक करने से भगवान शिव शंकर जो है प्रसन्न होते हैं और इसी मनोकामना से यहाँ पर देखिए दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष आदेश गुप्ता किस तरीके से भक्तिपूर्वक नज़र आ रहे हैं और भक्ति में पूरी तरीके से नज़र आने के बाद वो किस तरीके से भगवान शंकर की पूजा अर्चना करते हुए नज़र आ रहे हैं देखिए। उनके साथ उनकी धर्मपत्नी भी है बकायदा, किस तरीके से यहां पर जो पूजा अर्चना है वो करी जा रही है। आइए दिखाते हैं कि किस तरीके से भगवान शंकर को पसंद करने के लिए ये पूजा अर्चना विधि पूर्वक करी गई। आरसो न्यूज की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए हमारी वेबसाइट www.rsonews.com पर विजिट करें। साथ ही साथ डेली हंट पर भी आप आरसो न्यूज को फॉलो करें जहां पर आपको देश दुनिया की तमाम खबरें मिलती हैं। आरसो न्यूज के लिए आप देख रहे हैं कैमरामैन धर्मेंद्र कुमार के साथ नीरज अवस्थी की खास रिपोर्ट आर सोनी न्यूज पर। ओम अच्छा ऐतिहासिक मंदिर में आए, क्या उद्देश्य, क्या है, क्या माना, किस तरह से? मैं सबसे पहले
किशनगढ़ में यहाँ पर बहुत प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर जो बाबा लटूरिया जी महाराज जो श्री 1008 जिन्होंने यहाँ सिद्धि प्राप्त की, साधना की, ऐसे प्राचीन शिव मंदिर में मुझे आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और पत्नी समेत हमारे जिलाध्यक्ष जगमोहन महलावत जी और वो भी धर्म पत्नी समेत हम लोगों ने यहाँ पर रुद्राभिषेक किया है। श्रावण मास का बहुत धार्मिक रूप से महत्व है। महादेव जी की कृपा सभी देशवासियों और दिल्ली वासियों को सदैव मिलती रही, उनकी कृपा के से सब लोग अभिभूत रहें और सावन के महीने में महादेव जी प्रसन्न होते हैं और सब लोगों को पूरी देशवासी और दिल्लीवासी सुखी रहें, शांत रहें, समृद्धशाली रहें, देश हमारा आगे बढ़े, दिल्ली हमारा आगे बढ़े, इस कामना के साथ आज हमने परिवार सहित यहाँ रुद्राभिषेक किया है। मैं पंडित जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने बहुत ही विधि विधान पूर्वक रुद्राभिषेक किया है। और इस सावन के महीने में मैं दिल्ली में बहुत सारे प्राचीन मंदिर हैं वहाँ पर जाकर रुद्राभिषेक और भगवान शिव की पूजन कर रहा हूँ और उसमें बहुत आनंद की अनुभूति हो रही है। बहुत ही अंतरात्मा की आवाज़ से बहुत सारी सुख शांति समृद्धि की कामना करता हूँ और मैं भगवान शिव और पार्वती से प्रार्थना करता हूँ कि हम सबके जीवन में वो सुख शांति और समृद्धि लाए। आज पूजा पाठ में आप हिस्सा ले रहे हैं जी, इस बार भगवान की कृपा कुछ ऐसी मिली है कि हमें भी सौभाग्य मिल रहा है, प्राचीन मंदिर हमें देखने को, दर्शन करने को मिल रहे हैं और गौरी शंकर भगवान से मैं बस यही प्रार्थना करती हूँ कि दिल्ली में सुख समृद्धि बनाए रखें और परिवार सहित जो उनकी पूजा कर रहे हैं उनके परिवारों में खुशियाँ बनाए रखें।